हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सेमेस्टर में आ सकते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो यूनिट फर्स्ट सबसे पहले हम करेंगे, यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो उसकी डिफिनेशन है क्या है और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कैसे बना, क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए या इंडिया के लिए। यहाँ पे सिर्फ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कंट्री का है, तो यहाँ हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में। एग्ज़ाम एकदम आने वाला है, अभी 3 दिन बाद एग्ज़ाम आपका स्टार्ट है। 7 तारीख को सबसे पहला इसी का पेपर है, सीवाई का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़िए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के भी आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या बोलते हैं, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखते हैं संविधान, बहुत लोगों को नहीं पता होगा हिंदी में क्या कहते हैं संविधान, क्योंकि बीटे में सब लोग इंग्लिश में पढ़ते रहते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन क्या है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ प्राइमरली अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइंग हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न्ड, हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंट्रोल्ड, एंड व्हाट राइट सिटीजन पॉजेस। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक प्राइमरली सेट ऑफ रूल्स है, मतलब जो रूल्स हैं आपके नियम हैं कानून हैं उनका एक ग्रुप है, उनका सेट ऑफ रूल्स है। प्राइमरली मतलब फर्स्ट प्राइमरी तरीके से हम कहें, प्राथमिक तरीके से बोलें तो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइंग, मतलब उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं यूज़ करने हैं, किस सिद्धांत पे काम करना है, हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न, कंट्री को गवर्न करने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, हाउ अ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है और उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, एंड व्हाट राइट सिटीजन पॉजेस, जो सिटीजन्स के राइट हैं, जो नागरिकों के अधिकार हैं वो कैसे जो हैं काम करेंगे। इन सब चीज़ों को एक मतलब एक चेनबद्ध तरीके से, मतलब क्रमबद्ध तरीके से चलाने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत पड़ती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये समझिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, उसमें जो भी रूल हैं, रेगुलेशन हैं, कंट्री को पावर्स हैं कि राष्ट्रपति होगा, सीएम होंगे, गवर्नर होंगे, तो उनको कौन कौन से उनके पावर्स हैं, या कि कोई नागरिक है उसके क्या अधिकार हैं, उसको कौन कौन से अधिकार मानने हैं, ये सारी चीज़ संविधान में लिखी हुई है। फिर सेकंड पॉइंट, अ कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ फंडामेंटल लीगल पॉलिटिकल रूल्स दैट, ये सेट ऑफ फंडामेंटल्स मतलब मूल अधिकारों का एक पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो नियम है, लीगल, लीगल मतलब लीगल इलीगल समझ में, कानूनी तौर से जो रूल्स हैं उनका एक फंडामेंटल सेट है, ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इसमें रूल्स दैट आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन इन द स्टेट, मतलब हर एक सिटीजन को आपस में बाइंड किए हुए, बंधे हुए हैं, मतलब एक कंट्रोल में रखा है, नहीं तो कोई अपनी मनमानी कर सकता है कि हम जैसे हम लोगों को रोड पे चलना है तो किसी भी हम डायरेक्शन में चल सकते हैं, लेकिन एक रूल बना हुआ है कि अपने राइट साइड आप चलेंगे, या इस हाईवे पे चलना है तो कैसे चलना है आपको, किसी भी अगर कॉलेज में जाना है कैसे जाना है, ऑफिस में जाना है कैसे जाना है, या आपको अपने से बड़े के सामने या फिर तिरंगा उसका सम्मान कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखी हुई हैं संविधान में। तो यही सब नियम कानून है, उसी को हम संविधान बोलते हैं। तो बाइंडिंग एवरीवन इन अ स्टेट मतलब राज्य में सारी चीज एक दूसरे को बांधे हुए हैं, बाइंड किए हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑर्डरली लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं चल रही हैं उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। फिर देखिए कंसर्न द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन
ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उनको हम कैसे चलाएंगे, ये सारे रूल होते हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के उसमें अधिकार होंगे। फिर देखिए थर्ड है, आर बेस्ड ऑन वाइड स्प्रेड पब्लिक लेजिटिमेसी, पब्लिक की जो लेजिटिमेसी है मतलब उसकी जो पब्लिक क्या चाहती है वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। फिर आर हार्डर टू चेंज देन ऑर्डनरी लॉज, एग्जाम्पल ए टू थर्ड मेजॉरिटी वोट फॉर रेफरेंडम इज नीडेड, मतलब किसी भी चेंज को ऑर्डनरी लॉज से हम नहीं चाहे, हार्डर टू चेंज देन ऑर्डनरी लॉज, ऑर्डनरी साधारण एक लाल से नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए, मतलब 2/3 जो है वोट रेफरेंडम नीडेड, ज़रूरी है उसके लिए, नीड की 2/3 जो है लोग उसको पास किया जाए तभी कोई भी लॉ हम चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ देखिए, एज अ मिनिमम मीट द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ह्यूमन राइट्स, मतलब किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे आप कोई भी क्राइटेरिया डेमोक्रेटिक है कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में और रिप्रेजेंट करना है तो उसको ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के लिए भी सही है कि नहीं है, कम से कम इतना देखना ज़रूरी है, तभी हम किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट, सभी के लिए सही तरीके से रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशन होते हैं, जिस एक बनाए हुए हैं, एक सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स कह सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या होंगे, तो देखिए वो डिफिनेशन है तो उसी से आप समझ सकते हैं फंक्शन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, किसी भी मतलब पॉलिटिकल कम्युनिटी की ये बाउंड्री डिसाइड करता है कि आपको इतना काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन, मतलब वो डिक्लेयर करता है और उसको परिभाषित करता है कि आप पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है राजनीतिक सामाजिक समाज में रहना है तो आप किन किन चीज़ों को बातें ध्यान में रखेंगे, फालतू के काम नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। ये इनका फंक्शन होता है, कह सकते हैं कि ये इनके फंक्शन हैं, आपको एक बाउंड्री देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी की नेचर देते हैं और उसको डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी, उसकी जो नेचर है उसकी प्रकृति क्या है और अथॉरिटी क्या है उसको डिफाइन करते हैं। फिर थर्ड देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज, आइडेंटिटी मतलब पहचान और उसकी वैल्यू क्या है, नेशनल कम्युनिटी, तो नेशनल कम्युनिटी लेवल पे उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं, उसको आइडेंटिटी बताते हैं। फिर देखिए फोर्थ है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान वो डिक्लेयर और डिफाइन करता है राइट्स मतलब अधिकार और ड्यूटीज़, उसके कर्तव्य क्या हैं, अधिकार और कर्तव्य, नागरिक के अधिकार और कर्तव्य बताता है। राइट्स क्या हो गए, अधिकार, और ड्यूटीज़ क्या हो गई, कर्तव्य। ओके, फिर देखिए फिफ्थ नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन कैन एस्टेब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी, डिफाइनिंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइबिंग देयर कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस एंड रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन देम, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन रेगुलेट हो रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, राजनीतिक संस्थाएँ हैं, वो कम्युनिटी में, उनको कम्युनिटी में जो इस्टेब्लिश हैं या रेगुलेट हो रही हैं उनको कैसे चलना है, कैसे चलाना है इंस्टीट्यूशन को, उसके लिए गवर्नमेंट को जो है एक रूल देती हैं, उसको प्रिस्क्राइब करती हैं, कंपोजिशन देती हैं, कैसे बनाना है इंस्टीट्यूशन को और उनकी पावर क्या क्या है और उनके फंक्शन कैसे कैसे होंगे, वो कैसे काम करेंगे एक लिमिट में रह के, और फिर उसको कैसे रेगुलेट करना है, इन सब का जो इनके बीच जो रिलेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन होता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट या प्राइवेट चल रहे हैं तो उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बताता है रेगुलेट करने के लिए, इस्टेब्लिश एंड रेगुलेट। सिक्स डे, कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिवाइड और शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सब स्टेट
कम्युनिटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिवाइड और शेयर, मतलब उसको जो है डिवाइड करता है या फिर शेयर करता है पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। डिफरेंट लेयर मतलब जैसे स्टेट लेवल हो गया, कंट्री हो गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं। फिर स्टेट लेवल पे आएंगे तो सीएम है, गवर्नर है। फिर उसके नीचे आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन सब की पावर्स क्या हैं। और सब स्टेट कम्युनिटी हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आ जाएं तो गवर्नमेंट की जो ये सारी लेयर्स हैं किसी भी सिटीजन्स को एक कंट्रोल रखने के लिए, इन सबको जो है एक शेयर करता है, उसको डिवाइड करता है अपने अपने फंक्शंस में। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया क्या है, ये बताना है आपको, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है उसको। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज सोवरेजन बॉडी विच वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया क्या है, एक सोवरेज बॉडी। सोवरेजन क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता जैसे कि पीवी सिंधु हैं तो अपने देश के लिए खेल रही है, ठीक है, तो अपने देश के लिए वो कुछ कर जाएँ, कुछ अच्छा काम करती हैं, गोल्ड मेडल जीतती हैं, तो वो उनकी एक क्या है, अपनी एक तो उनकी प्रतिभा है कि वो खेलती हैं, अच्छा खेलती हैं, लेकिन अपने देश के लिए कुछ करती हैं, तो वो उनकी एक सोवरिज्म है, मतलब कि उनकी संप्रभुता है, मतलब देश के लिए आप कुछ कर जाइए, देश के लिए कोई अच्छा काम करिए, देश के प्रति सोचिए, तो वो आपकी क्या है, सोवरिज्म है, सोवरिज्म बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनाने में बहुत मदद करती है। तो विच वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ड्राफ्ट मतलब बनाना, उसको विस्तृत रूप देना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाना, तो ये बनाने में जो है उसको ड्राफ्ट करने में, फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया मेन रोल प्ले करती है। इस वजह से इसको सोवरिज़न बॉडी बोलते हैं। सोवरिज़न बॉडी समझ गए, संप्रभुता इसको हिंदी में बोलते हैं या प्रभुता भी बोलते हैं। सेकंड है एन आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज प्रपोज्ड इन 1934 बाई एम एन रॉय। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया दिया गया, ये कब दिया गया, प्रपोज्ड किया गया 1934 में, 1934 में, किसके द्वारा, बाई एम एन रॉय, एम एन रॉय के द्वारा। इट बिकम ऑफिशियल डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC जिसे बोलते हैं, इन 1935। यह जो ऑफिशियली कब डिमांड किया गया, ऑफिशियली तौर पे इसको INC द्वारा 1935 में, प्रपोज्ड कब किया गया एम एन रॉय द्वारा 1934 में, और ऑफिशियली कभी लागू हुआ 1935 से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बनाई गई, जिसे बोलते हैं संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या बोलते हैं, संविधान संविधान सभा। ओके, देख 1935 में आई एंड वाज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश इन अगस्त 1940। फिर इसको जो है ब्रिटिश द्वारा अगस्त 1940 में एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, इसको संविधान सभा को, संविधान सभा। ओके, फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। इसकी जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो फर्स्ट सिटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946, एंड रिसेंबल्ड रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया। ये जो है भारत को डिवाइड किया 14 अगस्त 1947 को, रीअसेंबल्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ संविधान सभा डिवाइड कर दिया भारत को दो भागों में, भारत को जो है 14 अगस्त 1947 को डिवाइड कर दिया। फिर देखिए फोर्थ है, इट्स मेंबर वेयर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसके जो मेंबर चूज किए गए सदस्य, वो इनडायरेक्ट चुनाव के द्वारा, या कह सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा उनको चुना गया, बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंसियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रोविंसियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली किनको बोलते हैं,
जैसे एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वैसे ही प्रोविंसियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, उसके द्वारा मेंबर चूज किए गए। फिर हैड बीन इस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर इनको जो इस्टेब्लिश किया गया किस एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिफ्थ देखिए पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन सजेस्टेड बाय प्लान प्रपोज्ड बाय कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट इज नोन एज कैबिनेट मिशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है एक रफली तरीके से प्रपोज्ड की गई ब्रिटिश कमिटी के आधार पर ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा, उसको क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन बोला गया, कैबिनेट मिशन बोला गया। तो ये आपकी जो हो गए, ये क्या क्वेश्चन था यहाँ पे, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया क्या है, ये सारे पांच पॉइंट में आप समझ गए होंगे, इसको अपने तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन कैसे बनी, तो वही चुनाव वनाव हुआ गया, हो कराया गया। तो सबसे पहले देखिए, चुनाव होने के पहले क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वन फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन विच विजिटेड इन इंडिया 1946। ये जो कब आया कैबिनेट मिशन, 1946 में आया, इसके रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, मतलब संविधान सभा बनाई गई। फिर देखिए टोटल स्ट्रेंथ, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज टू 389। कितनी थी, 389 थे इसके मेंबर टोटल ऑफ दीज। अब 389 में कौन कौन थे, 296 जो 296 सीट थी वेयर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, ये ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट कर दी गई। फिर जो 93 सीट थी वो प्रोविंसली सीट्स स्टेट्स के लिए, जो प्रोविंसली स्टेट थे उनके लिए 93 सीट्स अलॉट कर दी गई। तो ये टोटल आपकी सीट्स कितनी थी, 389 थी। इतना ना लिख के आपको इतना नहीं याद करना है, ये अगर ना याद रहे तो इतना लिख दिया, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 389, इतना याद रखिएगा, ये लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। देखिए थर्ड पॉइंट है, आउट ऑफ 296, अब देखिए 296 में भी कौन कौन थे, टू द ब्रिटिश इंडिया 292 मेंबर्स, 292 मेंबर्स फेयर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स, ये 11 गवर्नर्स के द्वारा ड्रॉन किए गए, प्रोविंसेस से लिए गए। उसके बाद फोर फ्रॉम द फोर चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस, जो फोर लिए गए वो फोर चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंसेस के आधार पर लिए गए। तो इन इतना आपको नहीं लिखना है, इतना लिख दीजिएगा, आउट ऑफ 296 290 मेंबर्स वेयर ड्रॉन 11 गवर्नर्स, ये नया याद रहे पॉइंट तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लिख दीजिएगा यहाँ पर। देखिए ईच प्रोविंस एंड प्रोविंसली, प्रोविंसली स्टेट होगा, प्रिंसली नहीं प्रोविंसली होता है, प्रोविंसली PROVINCELY, प्रोविंसली स्टेट, प्रोविंस स्टेट बोलते हैं, अलॉटेड सीट इन प्रोविंसन देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली वन सीट वाज अलॉटेड फॉर द एवरी मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट कर दी गई। सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वेयर टू बी डिसाइडेड अमॉन्ग द प्रिंसिपल कम्युनिटीज मुस्लिम सिख जनरल इन प्रोपोर्शन देयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को जो है मुस्लिम सिख और जनरल, इसके आधार पे उसको एक रेशियो में डिवाइड कर लिया गया, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनको। फिर सिक्स, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड बाई मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोविंसली रजिस्ट्रेशन असेंबली। तब जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता था वो हर कम्युनिटी का अलग अलग एक चूज कर लिया गया प्रोविंसियल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, जैसे सिख का एक होगा, मुस्लिम का एक होगा और जनरल का एक होगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंसली स्टेट्स वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रोविंसली स्टेट, जो प्रोविंसली स्टेट का हेड होता था उसके द्वारा उसको नामित कर दिया गया, नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रोविंसली स्टेट। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान द मुस्लिम लीग मेंबर्स विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए पाकिस्तान के बनने के बाद, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के निर्माण के बाद, पाकिस्तान जब बनाया गया उसके बाद जो मुस्लिम लीग का मेंबर था वे विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मुस्लिम लीग का जो मेंबर्स थे उनको अलग कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया से, संविधान सभा जो भारत की थी
उससे उसको अलग कर दिया गया। पाकिस्तान के बनने के बाद उसके पहले वो उसी में थे, फेडरेशन असेंबली ऑफ इंडिया में ही थे, फिर उसके बाद उसको अलग कर दिया गया, पाकिस्तान की जो असेंबली थी उसको अलग कर दिया गया। फिर 9 देते कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसी तरीके से द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली केम डाउन टू 296 एज अगेंस्ट 389 से 299 हो गई इसकी जो स्ट्रेंथ थी असेंबली की। पहले सब एक ही में था, ओके, पाकिस्तान इंडिया एक में था, तो जो है 389 थी, उसके बाद 299 हो गई। टेन देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहली बार जो है कब मेट हुई, तो ये बनाई गई आपको पहले, इसका मतलब एक सजेशन दिया गया, सलाह दिया गया, ये 9 दिसंबर 1946 में, मतलब एक बैठक कह सकते हैं, फर्स्ट बैठक जो न्यू दिल्ली में हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, संविधान सभा की बैठक। तो जो फिर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो अस्थाई रूप से इसके अध्यक्ष बनाए गए, चेयरमैन बनाए गए, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के, संविधान सभा के चेयरमैन बनाए गए, फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर देखिए 12th पॉइंट है, ऑन 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रिजर्वेशन विच रिजॉल्व प्रोक्लेम इंडिया एंड इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक एंड ड्रॉ अप फॉर द फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखिए क्या हुआ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका उद्देश्य था रिजर्वेशन, मतलब एक क्रांति के रूप में इसको इंडिया के स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, संप्रभुता बनवाने के लिए, और रिपब्लिक मतलब कह सकते हैं गणतंत्र रूप देने के लिए फ्यूचर में, वो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मतलब रखे कि जो है उसको बनाया जाए, कब, 13 दिसंबर 1946 को। फिर 13 देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कितने दिन में बनी, तो 2 साल 11 माह और 18 दिन में ये संविधान सभा का निर्माण हुआ। इट्स हिस्टोरिक टास्क, ये एक मतलब ऐतिहासिक कार्य था, ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब संविधान को बनाने के लिए, एक स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए एक इतिहासकारी काम था। तो कब, कितने दिन में बना, ये याद रखेंगे, तो ये बना आपका 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, संविधान सभा का, संविधान का निर्माण हुआ इतने दिन में, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड 11 सेशन कवरिंग अ टोटल ऑफ 165 दिन, मतलब 165 दिन में 11 सेशन इसके हुए हैं संविधान सभा के। अब ये सारी बातें जो हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो आप जितना इसमें याद रखें उतने लिख दीजिएगा, और कुछ तो अपने आप भी लिखते हैं सब लोग एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं जो याद हो वही लिखते हैं, बहुत चीज़ें आप बना के लिख सकते हैं उसके बारे में, तो आप इतना कर सकते। द ऑनरेबल मेंबर्स अटेंडेंट देयर सिग्नेचर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 24 जनवरी 1950, तो जो ऑनरेबल मेंबर्स थे उनके सिग्नेचर कब हुए, 24 जनवरी 1950 को हुए। द कॉन्स्टिट्यूशन डे केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, केम इनटू फोर्स मतलब ये आया, मतलब लागू हुआ, पूर्णतया लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, साइन हो गया 24 जनवरी 1950 को, इसको काम करना स्टार्ट हो गया, केम इनटू फोर्स मतलब इसका काम जो है स्टार्ट हो गया 26 जनवरी 1950 से। 16th देखिए, ऑन दैट डे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सीज्ड टू एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंटिल अ न्यू पार्लियामेंट वाज कॉन्स्टिट्यूशन इन 1952। ये क्या कह रहा है, इसी दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एग्जिस्ट मतलब सीज्ड टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर गया मतलब एक इस्टेब्लिश हो गई थी, ओके, फिर ट्रांसफार्मिंग इनटू प्रोविंशियल पार्लियामेंट, मतलब इसको ट्रांसफार्म या चेंज करना था प्रोविंशियली, जो संसद थे प्रोविंशियली संसद ऑफ इंडिया मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थे वहाँ तक इसको जो है विस्तारित रूप देना था। तो ये कहा गया कि अंटिल ए न्यू पार्लियामेंट, जब तक न्यू पार्लियामेंट नहीं बनती है कॉन्स्टिट्यूशन इन 1952 में नहीं बनती है, तब तक हम इसी का यूज़ करेंगे, पार्लियामेंट के
चुनाव करने के लिए, पार्लियामेंट इंडिया के लिए, प्रोविंशियल के लिए इसी को हम यूज करेंगे जब तक नई नहीं लाई जाती। यही सब बातें थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली के लिए। तो आप ये सब क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे बार बार। ये था कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बनाई गई आपकी। इसमें देखिए आपने यूनिट फर्स्ट का जो है पार्ट फर्स्ट हमने किया है, पार्ट फर्स्ट कर लिया है। तो पार्ट फर्स्ट के बाद हम अगले जो है पार्ट में इसको कराएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, अपना एक रिज़ल्ट दीजिए, अपना जो है वोट दीजिए करिए कि मतलब कैसा लग रहा है वीडियो। अगर ठीक लग रहा है तब सही है, नहीं ठीक लग रहा तो कमी क्या है वो बताइए आप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।